हेलो, नमस्ते। इस बार हम आपके साथ चलेंगे श्री तनोट माता मंदिर और जीरो पॉइंट बॉर्डर। लोंगेवाला में जवानों के किस्से सुनकर, उनका लाइट एंड साउंड शो देखकर मेरे मन में भी हिम्मत जागी कि मैं बड़े टाइम से कार चलाना छोड़ती जा रही हूँ। तो जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले, तो मैंने कहा जी आज ड्राइविंग सीट पर हम ही आ जाते हैं। एंड लिटरली आई एंजॉय ड्राइविंग द कार। ड्रोव किक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, लविंग इट। आप डे लाइट में ट्रेवल कीजिएगा ताकि आप डेजर्ट लैंडस्केप और भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनी खूबसूरत सड़कों का भी मजा ले पाए। डेजर्ट एरिया है, अपने साथ पानी और स्नैक्स जरूर रखिएगा। अक्टूबर से मिड मार्च तक का मौसम यहाँ आने के लिए बहुत ही बढ़िया है। लोंगेवाला से हम पहुंचे तनोट मंदिर। तनोट मंदिर जाकर पता चला कि आपको अगर जीरो पॉइंट बॉर्डर देखना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है और आपको एक कार्ड दिया जाता है कि आप वहां तक जा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले वो परमिशन कलेक्ट की और तय किया कि हम पहले जीरो पॉइंट बॉर्डर ही जाएंगे। इसे जीरो पॉइंट इसलिए भी कहते हैं कि ये जैसलमेर के अंतिम छोर पर स्थित और श्री तनोट माता मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर वेस्टर्न बॉर्डर का एंड पॉइंट है। इसे बॉर्डर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया गया है। यहाँ पर वॉच टावर पर खड़े होकर भारत पाकिस्तान के बीच बनाई गई तारबंदी को देखा जा सकता है। 2021 में नीति आयोग ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जैसलमेर में बॉर्डर टूरिज्म को परमिशन दे दी कि यहाँ पर पर्यटक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्यटकों को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास बहुत अधिक जवान और रिसोर्सेज नहीं हैं। और भारत के बॉर्डर पर लाइट्स भी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान को तो पंगे लेने का बहुत शौक है और भारत को ही अपनी सुरक्षा बार बार करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर हमारे BSF की टुकड़ी हमेशा ही तैनात रहती है। श्री तनोट राय माता मंदिर, लोकेटेड क्लोज टू लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट इन राजस्थान, बैटल साइट ऑफ द इंडिया पाक वॉर ऑफ 1971। कहा जाता है कि नॉट ए सिंगल बॉम्ब ड्रॉप्ड दैट पाकिस्तानी एयरफोर्स एक्सप्लोडेड इन द विसिनिटी ऑफ द टेम्पल। इस चमत्कार से मंदिर की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई और इसे श्री तनोट माता का प्रताप कहा जाने लगा। एज ए जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड, द BSF took the responsibility of maintaining and guarding the temple. Temple premises में एक म्यूजियम भी है जो BSF मेंटेन करती है और जिसमें अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स भी दिखाए गए हैं। 1965 में BSF ने यहाँ सीमा चौकी स्थापित की तथा इस मंदिर की पूजा अर्चना व व्यवस्था का कार्यभार संभाला। आज भी मंदिर का प्रबंध एक BSF ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान ने मंदिर तथा आसपास लगभग 3,000 बम बरसाए। 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे।
किंतु मंदिर को एक भी खरोंच नहीं आई। इसी प्रकार 1971 के भारत पाक युद्ध में माता तनोट की कृपा से शत्रु के सैकड़ों टैंक व गाड़ियां भारतीय फौजों ने ध्वस्त कर दिए और शत्रु दुम दबाकर भाग गए। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान ने मंदिर तथा आसपास लगभग 3000 बम बरसाए। 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, किंतु मंदिर को एक भी खरोंच नहीं आई। इसी प्रकार 1971 के भारत पाक युद्ध में माता तनोट की कृपा से शत्रु के सैकड़ों टैंक व गाड़ियां भारतीय फौजों ने ध्वस्त कर दिए और शत्रु दुम दबाकर भाग गए। 1971 वार के बाद द इंडियन आर्मी बिल्ट ए विजय स्तंभ विक्ट्री टावर इनसाइड द टेंपल कंपाउंड टू कमेमोरेट द विक्ट्री। चारण लिटरेचर के द्वारा तनोट माता हिंगलाज माता का अवतार है, इसीलिए उसे गॉडेस ऑफ वार कहा जाता है। नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ श्री तनोट राय माता के मंदिर पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़ती है। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, जहां हमने गाडीसर लेक में बोटिंग की और जैसलमेर की नाइट लाइफ एंजॉय की। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहिए और खुश रहिए।